अच्छा चलो, तो ये मेरे साथ साथ ऊपर जा रही है अभी। आप अपनी लैंग्वेज भी इसको क्या बोलते हो, मिनट करके देता ना, तो हमारे मैं अंदर जाके बताता हूँ आपको मकान। थर्ड फ्लोर, तो इससे ऊपर एक फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर अभी। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं संजय और आप देख रहे हैं संजना व्लॉग्स। तो गैज, सुबह से हम काम लगे हुए थे, तो अभी काम वगैरह ख़त्म किया, तो अभी जा रहे हैं हम ऊपर। तो भाई एक ने कमेंट किया था उत्तराखंड से, इनका नाम है सन्नी रावत, तो उनके यूट्यूब चैनल का नाम है SR पहाड़ी व्लॉग्स। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके व्लॉग भी देख लेना। तो उनने बोला था कि आप वहाँ पे हमारे मतलब जम्मू में यहाँ पे तो बड़े ऊंची डबल स्टोरी वाले टीन वाले मकान होते हैं, किस तरीके के होते हैं, तो कैसे बनाए होते हैं, मतलब किस तरीके के मकान होते हैं वहाँ पे, तो वो बताना। तो मैं आज व्लॉग बना रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा आज किस तरीके के टीन वाले मकान होते हैं यहाँ पे। तो मैं अभी जा रहा हूँ ऊपर, तो मैं आपको दिखा लूँगा। तो चलो चलते हैं हम ऊपर। सुबह दादा हम पहुँचे ऊपर अपने दादू के घर पे, तो यहाँ पे मिल गया है गाइस हमें, देखो क्या है, भेड़ का बच्चा, और ये भेड़ का है, यहाँ पे है बकरी का, देखो ये देखो, तो ये दो है यहाँ पे, तो बकरी वगैरह गई है चरने के लिए, तो ये दोनों यहाँ पे खेल रहे। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो ये भी साथ साथ आ रहे पीछे पीछे। आ जा आ जा अच्छा चल, तो ये जी मेरे साथ साथ ऊपर जा रही है अभी, देखते हैं। तो पहले रखेंगे इनको अंदर, अंदर लेके जाएंगे, हम दूर जा रहे हैं लेकिन इनको साथ में लेके जाएंगे। पहले चलें इनको अंदर रखते हैं, तो फिर चलते हैं वापस ऊपर। अगर ये पहुँच चुके यहाँ पे, इनको अंदर लेके जाएंगे, तो फिर चलते हैं। एक बार भागा, दो बार पीछे पीछे आ रही है, और फिर से इनको मैं अंदर लेके जा रहा हूँ। देख रहे तो पीछे पीछे आ रही है। तो गैस मैंने फिर से भेड़ के बच्चे को अंदर रखा, तो अभी जा रहा हूँ वापस ऊपर। तो अभी हम जाएंगे फिर दुकान पे, दुकान से कुछ लेंगे। ये क्या है कमेंट करके बताना, ये क्या चीज़ है, अपने आप अपनी लैंग्वेज भी इसको क्या बोलते हो, कमेंट करके देता ना। तो हमारे लैंग्वेज बोलते हैं इसको बैगल, इसे अचार डालते हैं, पूरी पक्की यहाँ पे देख सकते हो, इसे अचार डालते हैं। सो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके के मकान जहाँ पे बनाए जाते हैं। तो देख सकते हो एक हमारे पीछे सामने बहुत बड़ा मकान है, तो इसको भी हम दिखाएँगे अभी, तो फिलहाल हम इसको दिखाते हैं। तो इस वाले मकान में जो टीन डाली गई है ना, तो ये वाइट कलर की है, देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके नीचे भी एक स्टेप है, इसके ऊपर ये वाला, उसके ऊपर ये वाला, तो उसके ऊपर ये वाला, तो इससे बड़ा वो वाला मकान, इससे बड़ा है। तो हम उसके अंदर जाएंगे, तो अंदर भी दिखाएंगे ना कितने स्टेप है, तो बाहर से फिलहाल हम दिखाते हैं सामने जाके। तो अगर देख सकते हो ये वाला मकान, तो एक मतलब एक नीचे वाला स्टेप है, उससे ये सेकेंड फ्लोर है, ये थर्ड और वो फोर्थ फ्लोर। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं यहाँ पर टीन वाले मकान, क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा बर्फ़ वगैरह पड़ती है ना, उसकी वजह से मकान ज़्यादा हाइट पे होते हैं, इसके ऊपर बर्फ़ भी नहीं रहती है, एक तो जगह बहुत ज़्यादा खुली होती है। मैं अंदर जाके बताता हूँ आपको मकान। यहाँ से कुछ दरवाज़ा ऐसा, तो ऊपर देख सकते हो पूरा खुला ही खुला है। तो एक स्टेप ये वाला है, यहाँ पर दुकान है ना, तो एक स्टेप ये वाला है, एक इसके ऊपर, इस लास्ट वाला ऊपर है, यहाँ पर क्लोज है, ऊपर अभी खुला है, अभी कुछ बना नहीं है। तो कुछ इस तरीके से मकान यहाँ पे बना सकते हैं। ये रहा थर्ड फ्लोर, तो इससे ऊपर एक फ्लोर है, फोर्थ फ्लोर, अभी ये कुछ बनाया नहीं इसके ऊपर, ये थर्ड फ्लोर है, तो ये वाला फोर्थ फ्लोर, ये वाला ये थर्ड है, तो ये सेकंड फ्लोर, ये नीचे वाला ये सेकंड, इससे नीचे भी एक और है। तो गैस अभी सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो मकान वगैरह दिखा लिया आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना तो कैसा लगा है मकान। तो किसी का मकान था तभी हम आए थे यहाँ पे दिखाने के लिए, तो कमेंट का किया था एक भाई ने उत्तराखंड से कमेंट किया था स्पेशल, तो बोला था कि इसका व्लॉग बना के बताना, तो चलो व्लॉग बन ही गया यहाँ पे। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा मकान,
तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, तो सबसे पहले जाता हूँ मैं घर, तो जल्दी से तो शादी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो फाइनली गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, तो ये अंधेरा भी हो चुका है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ पर एंड करते हैं। कैसा लगा आज का हमारा व्लॉग कमेंट कर जरूर बताना। तो ऐसे ही मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग पर, तब तक बाय।